हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप एलईडी स्मार्ट टीवी में गूगल का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे बनाया जाता है गूगल अकाउंट स्मार्ट टीवी में, आज की वीडियो में आसान तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एंड्रॉयड टीवी की सेटिंग में आपको जाना है। तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड टीवी का सेटिंग, जैसे कि ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब आपको सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है, सबसे नीचे आपको जाना है, याद रहे। सबसे नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन ऐड अकाउंट का, ये देखिए। सबसे नीचे आपको टीवी गाइड के नीचे आपको ऐड अकाउंट प्लस ऐड अकाउंट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्लस ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जाएगा तीन अकाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला गूगल अकाउंट, दूसरा एमआई अकाउंट और तीसरा टीवी गाइड। तो हमें इस वीडियो में गूगल अकाउंट बनाना सीखना है स्मार्ट टीवी में। तो जो गूगल लिखा हुआ है सिंपली आपको उसी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप गूगल के ऊपर क्लिक करेगा, अब आपके सामने एक पेज खुलेगा। तो चलिए उस पेज को हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे साइन इन करने के लिए गूगल में। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन यूज योर गूगल अकाउंट। तो हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद क्रिएट अकाउंट जहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेगा तो अब आपके सामने फिर से एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि सबसे पहले तो आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम ऊपर में, और नीचे वाले कॉलम में आपके अपने नाम का लास्ट नेम डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट नेम अपने नाम का डाल देते हैं। अगर आपका नाम एग्जाम्पल के तौर पे राजू है तो फर्स्ट में आप राजू डालिए, और सरनेम सी है या फिर श्रीवास्तव है तो उस हिसाब से आप लास्ट नेम में डाल लीजिए अपना सरनेम। तो चलिए फटाफट मैं डाल लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों कॉलम में मैंने अपना नाम फिल कर दिया है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। अब आपको जो नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करिएगा तब आपके सामने फिर से एक पेज खुलेगा जहां पे आपको बोला जाएगा कन्फर्म डेट यू आर नॉट अ रोबोट, यानी कि आपको कन्फर्म करना है कि आप एक इंसान है, आप रोबोट नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में अपना फोन नंबर डाल दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया है, मोबाइल नंबर। अब आपको नीचे एरो का जो बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एरो के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो अब आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा। तो चलिए उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पे एंटर द कोड जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एंटर द 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड टू कन्फर्म डेट यू रिसीव द टेक्स्ट मैसेज, आपके मैसेज में आया है। तो चलिए चेक कर लीजिए अपना मैसेज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड डाल दिया, और दोस्तों जी के बाद जो भी आपका कोड है वो जो नंबर में है उसी को यहाँ पर सिर्फ डालेगा, आपको जी लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आपने कोड डाल लिया, अब आपको क्या करना है, नीचे आपको अब आपको एरो जो बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे एंटर कोड डालने के बाद। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जेंडर और बर्थडे डालना है। तो सबसे पहले आपको डे और मंथ और ईयर में सेलेक्ट करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, और नीचे जेंडर में मेल या फीमेल जो भी हैं आप वहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट इन सारे इन्फॉर्मेशन को मैं फिल कर लेता हूं। तो जैसे कि आप डे देख सकते हैं यहां पे, डे में आप अपना जिस दिन आपकी पैदाइश हुई थी उस तारीख को आपको यहां पे डाल देना है, और मंथ में आपको डालना है जिस महीने में आपकी पैदाइश हुई थी, और उसका ईयर यानी कि कौन सा साल था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने अपना डे और ईयर सारा फिल कर दिया है, और यहाँ पे जैसे कि आप नीचे आना है आपको, और जेंडर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करिए, और यहाँ पे जो अभी आप मेल या फीमेल है उसको फिल करिए। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट याद है, नेक्स्ट का जो बटन है इसके ऊपर अब आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ यू विल साइन इन, क्रिएट अ जीमेल एड्रेस फॉर साइन इन टू योर गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे एक आपको जीमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए आपके नाम के हिसाब से नाम और कुछ नंबर मिक्स करके यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे राजू अपने नाम डालिए, और यहाँ पे 1, 2, 3 या कुछ भी नंबर डालिए, और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके चेक कीजिए। तो यहाँ पे अगर नंबर रहेगा तो यहाँ पे यस लिखेगा, और नहीं तो डेट यूजर नेम इज टेकन, यानी कि आपको दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दूसरा यहाँ पे ट्राई कर लेता। तो ये जो मैंने नाम ट्राई किया यहाँ पे ये भी नाम अवेलेबल नहीं है, लेकिन नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको अवेलेबल लेकर के एक नाम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी नेम के नीचे आपको टेक
लेना है और यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो चलिए उस नाम को हम अलाउ करते हैं, जो नीचे अवेलेबल लिखा हुआ है वहां पे आपको क्लिक कर लीजिए। अब इस नाम को मैंने यूजर नेम को ले लिया है, यहाँ पे जो नेक्स्ट का नीचे बटन है वहां पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे एक पेज खुलेगा जहां पे आपको बोला जा रहा है कि क्रिएट अ स्ट्रांग पासवर्ड, क्रिएट अ स्ट्रांग पासवर्ड विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। तो यहाँ पे जो आपको पासवर्ड बनाना है वो आपको इसमें आप अपने नाम को मिक्स करने हैं और इसमें आप कुछ लेटर्स यूज करने हैं नाम के और कुछ नंबर्स यूज करिए और कुछ ऐसा सिम्बल्स, हैशटैग, ऐसा कुछ स्टार वगैरह यूज कीजिए जिससे कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कम से कम आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो कॉलम मिलते हैं, सबसे पहले आपका पासवर्ड ऊपर में कॉलम मिलता है और नीचे कंफर्म, यानी कि जो पासवर्ड आपने ऊपर में बनाया है उसी पासवर्ड को आपको नीचे वाले कॉलम में डाल देना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोनों पासवर्ड आप डाल लीजिए। तो चलिए अब जो नेक्स्ट का बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे दोनों पासवर्ड को डालने के बाद। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे बोला है कि ऐड अ फोन नंबर, तो यहाँ पे आपने पहले ही फोन नंबर डाल दिया है। तब आपको क्या करना है, सीधा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, एस्केप जो लिखा हुआ है साइड में इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एस्केप के ऊपर क्लिक करेगा कि यहाँ पे आपको बोला है कि रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप एक बार अकाउंट इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए। जो नेक्स्ट बटन बना हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, तो उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, एग्री कर देना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका गूगल से कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मेरा गूगल का अकाउंट बन करके रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप गूगल का अकाउंट बना सकते हैं स्मार्ट टीवी में। तो दोस्तों वीडियो करें लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन जरूर दबाइएगा।